हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है बहुत जल्द आपकी कौन सी इच्छा पूरी होगी, यानी कि जो आपने मैनिफेस्ट किया है, प्रे किया है, विश किया है, तो बहुत जल्द कौन सी विश आपकी पूरी होने वाली है, कौन सी मैनिफेस्टेशन आपकी बहुत जल्द पूरी होगी, हम ये जानेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है सिर्फ कुछ परसेंट रेजोनेट करे, तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिएगा एंड लीव द रेस्ट, ओके। ये रीडिंग सभी जोड़ियक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। आइए देखते हैं। सो सबसे पहला कार्ड, इमोशंस आर रनिंग हाई। आपकी कौन सी विश बहुत जल्द पूरी होगी, ओके। आई नीड वन कार्ड, हियर वी हैव, ओके, जस्ट वन। ओके, लेट मी अरेंज देम। देखिए, सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपने अगर प्यार मांगा है, किसी स्पेसिफिक पर्सन का प्यार मांगा है, देन डेफिनेटली यू विल गेट इट। आपको किसी का प्यार मिलने वाला है क्योंकि आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है। यस, आपने अपने रोमांटिक लव लाइफ को लेकर अगर कुछ विश किया, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, कुछ प्रे कर रहे थे, तो उसके बहुत चांसेस हैं कि आपके लाइफ में वो रोमांस आने वाला है, उसी स्पेसिफिक पर्सन की तरफ से आएगा जिसके लिए आप चाहते थे, ओके? तो अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को लेकर सोचते थे कि ये मुझे प्यार करे या प्यार से ट्रीट करे, ये कहीं ना कहीं इनके अंदर जो रोमांस है वो ये एक्सप्रेस करें, शो करें, तो कहीं ना कहीं अब आपको वो आपकी लव लाइफ में देखने को मिलेगा। मुझे ऐसा भी लगता है कि मुझे लगता है एक बहुत ही इमोशनल डीप कनेक्शन किसी का आपके साथ बन रहा है। आई थिंक ये इमोशनल डीप कनेक्शन आपने मांगा है, चाहा है, एक्सपेक्ट किया है, प्रे किया है, इसीलिए किसी के साथ आपका एक गहरा इमोशनल रिश्ता बनता हुआ मुझे दिख रहा है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स, कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको डर लग रहा था, कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको बहुत बहुत डर लगता था या लग रहा था, और उसी वजह से आप बार बार प्रे कर रहे थे कि बस ये ना हो, इतना गलत ना हो, ये बुरा ना हो, ऐसा ना हो, वैसा ना हो, जैसे हम डरते हैं कि ये छोड़कर ना चला जाए, अरे मेरी ये जॉब ना छूट जाए, अरे मेरा ये काम बंद ना हो जाए, अरे मुझे यहाँ वहाँ नुकसान ना हो जाए, तो ऐसे ही किसी बात का डर आपके मन में था। कोई बात ऐसी थी जो आपको बहुत स्ट्रेस दे रही थी, बहुत डरा रही थी, तो उसके लिए आप कंटिन्यूसली साथ साथ प्रे कर रहे थे कि भगवान ऐसा मत होने देना, ऐसा ना हो जाए, मैं प्रे करती हूँ, करता हूँ कि ऐसा ना हो। तो किसी चीज़ का बुरा ना हो ऐसा प्रे कर रहे थे कि कुछ गड़बड़ ना हो, कुछ खराब ना हो, कुछ बुरा ना हो, और मुझे लगता है कि आपकी जो प्रेयर है वो सुनी गई है यहाँ पर। अब जिस भी चीज़ का आपको डर था कि ये हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा कभी ना हो जाए, वैसा कुछ नहीं हो रहा, ऊपर से ऐसा कुछ होगा कि जिससे आपका जो डर था वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, ओके? तो जिस चीज़ का भी आपको डर लग रहा था वो चीज़ तो होगी ही नहीं, ये आपकी प्रेयर सुन ली गई है कि वो चीज़ तो नहीं होगी, पर साथ ही साथ आपको ये भी अश्योरेंस दिया जा रहा है कि कुछ ऐसा भी चेंज आएगा जिससे आपका वो डर हमेशा के लिए चला जाएगा, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए वो डर चला जाएगा आपके दिमाग से कि हाँ कुछ यहाँ बुरा हो सकता है, वो डर आपके दिमाग से, आपके जहन से निकल जाएगा, ओके? तो मुझे लगता है किसी डर पर आप जीत पाने वाले हैं बहुत जल्दी। एक रोमांटिक रिश्ता आपका बनता हुआ दिख रहा है, आपकी लाइफ में रोमांस आता हुआ दिख रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपके साथ गलत करने की कोशिश तो की, लेकिन आपके ऊपर भगवान की ऐसी कृपा रही है, ऐसा आशीर्वाद रहा है, एक ऐसा प्रोटेक्शन रहा है आपको, सुप्रीम प्रोटेक्शन रहा है आपको यूनिवर्स का, ये किसी पावरफुल यू नो एनर्जी का
कुछ आपके ऊपर ऐसी ब्लेसिंग रही है जिसकी वजह से जो भी आपका बुरा चाहते थे लोग, वो आपका बुरा कर नहीं पाए। तो ये आपकी विश नहीं, ये आपकी एक ऐसी विश पूरी की गई है, या एक ऐसा आपके साथ एक ऐसा मैजिक हुआ है जिसके बारे में आपको पता नहीं था। यानी कि कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आप फेस करते उससे पहले वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ से रिमूव की गई है। जैसे कल को आपकी, ये नहीं, ये एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए, तबीयत खराब का कोई और देती हूँ। जैसे कल को आपकी गाड़ी खराब होने वाली है, किसी वजह से कुछ ऐसा होने वाला है, तो पहले ही वो चीज़ रोक दी जाती है, आपका वहाँ जाना ही कैंसिल कर दिया जाएगा कि वहाँ जाकर कुछ होने वाला है, अगर इशू कोई डैमेज होने वाला है तो ना हो। तो कुछ ऐसी चीज़ें जिनका आपको पता भी नहीं था कि ये संकट मेरे ऊपर आने वाला है, उससे पहले ही उस संकट से आपको निकाला गया है। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, और वो यहाँ पर ऐसा लगता है किसी शक्ति का आपके ऊपर ऐसा कृपा है आपके ऊपर ऐसी, या ऐसा रक्षण आपको प्राप्त है कि जो लोग आपका बुरा करना चाहते हैं ना, इवेंचुअली अपना बुरा कर लेते हैं। कैसे? कि यहाँ ये तो दिख रहा है कि कुछ लोग आपका बुरा करना चाहते थे और वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन अब ऐसे लोगों को कर्मा भी सर्व होगा। तो अगर आपकी नज़र में, आपके आसपास, आपके सराउंडिंग्स में अगर ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपके साथ अनफेयर थे, आपको बुली कर रहे थे, या कहीं ना कहीं आपको मेंटली हैरेस कर रहे थे, या कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत अनफेयर थे, कुछ इनजस्टिस कर रहे थे, मिसबिहेव कर रहे थे, ज़्यादा ही कुछ जेलस और इनसिक्योर हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को अब उनका कर्मा सर्व किया जाएगा। अगर आप सोच रहे थे ऐसा बहुत दिन से कि मेरे साथ देखो अन्याय तो होता है, मुझे बुली किया जाता है, हरास किया जाता है, परेशान किया जाता है, तो अब मैं बस इतना ही चाहती हूँ, मैं तो कुछ नहीं कहूँगी, मैं बस चाहती हूँ कि इनका जो कर्मा है वो इन्हें सर्व हो, या फिर जो जस्टिस है वो सर्व हो। तो आप कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि आपको कोई बदला नहीं लेना है लेकिन जस्टिस सर्व हो, या आपको कोई रिवेंज चाहिए नहीं लेकिन जस्टिस सर्व होना चाहिए, जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलना चाहिए, जो दूसरा इंसान डिजर्व करता है वो उसे मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है जिन लोगों ने आपके साथ गलत करना चाहा है, या कुछ इनजस्टिस, कुछ अनफेयर, कुछ बुली आपको परेशान किसी तरह से किया है, तो ऐसे लोग अब अपना कर्मा फेस करेंगे, क्योंकि उनका कर्मा उन्हें सर्व किया जा रहा है, और ये भी आपकी प्रेयर्स का नतीजा है। वैसे भी आप प्रे नहीं करते तो भी ये कर्मा तो सर्व होना ही था, लेकिन फिर भी आपने इतने दिल से सोचा ही है, इतनी शिद्दत से सोचा ही है कि जस्टिस होना चाहिए, तो वो जल्दी हो सकता है। लेकिन जस्टिस तो होता ही है, कर्मा तो सर्व होता ही है, लेकिन क्योंकि आपने इसे इतना पैशनेटली चाहा है इस बात को कि जल्दी से जल्दी जस्टिस हो, तो व्यूअर्स ऐसे लोगों को पनिश किया जाएगा, या वो फेस करेंगे वही चीज़ जो उन्होंने की है। उतना ही दुख, उतनी ही सफरिंग, उतना ही ट्रॉमा या ट्रबल उनको मिलेगा जितना उन्होंने आपको दिया है, ना ज़्यादा ना कम। यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ है जिसे आपने छोड़ दिया है उसके हाल पे। जैसे कभी कभी आप एक रिश्ते को बहुत प्रोटेक्ट करके, एक रिश्ते को हमेशा फिक्स करने की कोशिश करते हो, इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हो, या रूठे हुए लोगों को मनाने की बहुत कोशिश करते हो, जो लोग इम्प्रेस नहीं है, फॉर ग्रांटेड लेते हैं ऐसे लोगों को इम्प्रेस करने की, उनका दिल जीतने की कोशिश करना, ये कहीं ना कहीं हमेशा किसी को समझाते मनाते रहना, या फिर हमेशा किसी को खुश करने के लिए सोचते रहना, लेकिन उससे होना कुछ नहीं। यानी कि करते आपका सब कुछ रहना लेकिन उससे सच में कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर आपका एफर्ट वेस्ट जा रहा है। आप कर तो बहुत कुछ रहे थे रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए, या कहीं ना कहीं इम्प्रेस नहीं तो कुछ कन्वेंस करने के लिए, या मना रहे थे, बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे थे, बहुत अटेंशन दी आपने, बहुत एफर्ट लिया आपने, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको ये चीज़ दिख गई कि इतना कुछ होने के बाद भी कुछ असर नहीं है, कुछ बेनिफिशियल, कुछ फ्रूटफुल। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद माय टंग टुडे, हो क्या रहा है, व्हाई डू आई फंबल अ लॉट, आई डोंट नो। तो इतना कुछ करने के बाद भी अगर कुछ फ्रूटफुल नहीं है, कुछ बेनिफिशियल नहीं है, कोई फ़ायदा आपको नहीं हो रहा है, तब कुछ ऐसा है जिस चीज़ पर अब आपने डिसीजन लेना है, कि डिसीजन लेने वाले हो या ले लिया है ऑलमोस्ट, कि
इस चीज को छोड़ो, ये जैसी है इसे इसके हाल पे छोड़ दो, ये रिश्ता जिस हाल पे था उसे उसी हाल पे छोड़ दो। ज्यादा इसको ठीक करने की, ज्यादा इसको फिक्स करने की, रिजॉल्व करने की प्रॉब्लम को, ज्यादा कुछ किसी को मनाने की, समझाने की, रिझाने की कोई जरूरत नहीं है। ये आप रियलाइज करेंगे कहीं ना कहीं, इस रियलाइजेशन की वजह से आप किसी चीज को उसके हाल पर छोड़ रहे हैं, वो जैसी थी उसे वैसे ही छोड़ कर जा रहे हैं। जैसे आप एक पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी गड़बड़ हुई तो आपने उसे फिक्स किया, थोड़ी और गड़बड़ हुई तो आपने उसे किसी और तरह से फिक्स किया, लेकिन आपने इतना टाइम दे दिया है, फिर इतनी बार फिक्स करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी वो अच्छी नहीं दिख रही है, देन यू आर जस्ट लीविंग इट दैट वे। आप उसे वैसा ही छोड़ रहे हैं कि छोड़ो जैसी भी बन गई है, जस्ट जस्ट लीव इट, ओके, छोड़ दो इसको ऐसा ही, इसको इस चीज़ को ऐसा ही रहने दो, क्योंकि ये इसमें कुछ नहीं हो सकता। अब इसमें कुछ अच्छा नहीं हो सकता, कुछ डिफरेंट नहीं हो सकता, लेट इट बी द वे इट इज। तो यहाँ पर आप भी किसी चीज़ को ऐसे ही छोड़ रहे हैं, और यहाँ पर व्यूअर्स मैनिफेस्टेशन का या आपके प्रेयर का इस तरह से यहाँ पर कनेक्शन है कि कहीं ना कहीं व्यूअर्स आप किसी चीज़ पर, किसी सिचुएशन पर डिसीजन लेना चाहते थे, और वो डिसीजन लेने के लिए ना आपको सही सोल्यूशन, सही रास्ता, सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा था। आपने प्रे किया है, यूनिवर्स से मांगा है कि जो आपके लिए अच्छा है, जो आपके लिए बेस्ट है वो हो जाए, आप या तो मूव ऑन कर पाएँ, या फिर सच में उस इंसान को, उस पोजीशन को, उस चीज़ को प्राप्त कर पाएँ, या फिर वो चीज़ आपके लिए अगर अच्छी नहीं है तो फिर आप उस चीज़ से दूर हो जाएँ। ये जो भी आपके लिए बेस्ट होगा वो आपने मांगा है, जो आपके लिए बेस्ट है वो सबकॉन्शियसली भी आपने मांगा हो सकता है, और जो आपके लिए बेस्ट है वही यहाँ पर होने वाला है। कि अब आपका डिसीजन कुछ ऐसा होगा कि अब आप उस चीज़ को उसी के हाल पे छोड़ के हाथ जोड़ लेंगे अपने भाई कि मेरी इतनी कैपेसिटी थी, मेरा इतना इनपुट था, इससे ज़्यादा आई कैन डू एनीथिंग मोर, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकता, आई एम डन, आई गिव अप, आई एम फेड अप। इस तरह का कुछ आपका डिसीजन हो सकता है फॉर समवन और फॉर समथिंग ऑल्सो। यानी कि ज़रूरी नहीं है किसी इंसान को लेकर ये बात हो रही हो, लेकिन ये दूसरी सिचुएशंस को लेकर भी हो सकती है। जैसे कोई जॉब ऐसी थी जहाँ आपने बहुत स्ट्रगल किया, बने रहने की कोशिश की, ग्रो करने की कोशिश की, हार्डवर्क करने की कोशिश की, पर वहाँ पर आपको इतना पे नहीं किया जा रहा, वहाँ पर आपको इतना रिवॉर्ड नहीं किया जा रहा है, इतना रिकग्नाइज नहीं किया जा रहा है, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है जो आप डिजर्व करते हो, देन यू आर लीविंग इट। या फिर ये कोई और कंडीशन, कोई और एनवायरनमेंट हो सकता है जिसको आप उसी के हाल पर छोड़ रहे हैं। ओके, तो ये आपके लिए हो रहा है, ये एक अनसेड चीज़ है, ज़रूरी नहीं है आपने बोल के इसे मांगा हो, बट सबकॉन्शियसली यू हैव मैनिफेस्टेड इट, अंदर ही अंदर आपने इसे मांग लिया है या चाहा है इस चीज को, तो वो इट हैपेंड नेचुरली, और होने वाला है अगर अभी तक नहीं हुआ है तो। यहां पर व्यूअर्स मैं ये भी देख पा रही हूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका आपको ऐसा लगता है अपनी लाइफ में कि ये तो ऐसी ही रहेंगी, ये कभी ठीक नहीं हो सकता, ये तो मेरी लाइफ में हो चुका, ये तो बिगड़ चुका, लाइक ये तो अब है ही ऐसा। लेकिन आप उसका दूसरा एस्पेक्ट नहीं देख पा रहे हैं कि आपकी लाइफ में ना कुछ मिरेकल हो सकता है, आप एक मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कभी भी आपकी लाइफ में एक मिरेकल हो सकता है, और कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में होगी जो आप, कोई ऐसी पॉजिटिव चीज़, ऑफकोर्स कोई ऐसा पॉजिटिव चेंज ऐसा होगा, कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज़, कोई ऐसा पॉजिटिव आपकी लाइफ में बदलाव आएगा जिसको देखकर आपको लगेगा कि ये तो इम्पॉसिबल था या ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती। तो कोई ऐसी चीज़ जो बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है, और जिसके लिए आपको ऐसा भी लगता है कि कुछ भी हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, इतना अच्छा तो नहीं हो सकता, लाइक ऐसा तो, इतना बेस्ट तो मेरे साथ नहीं होगा, इतनी अच्छी किस्मत तो नहीं है मेरी, तो कुछ ऐसा जो आप इमेजिन नहीं कर रहे हैं, उसको पूरी तरह से इम्पॉसिबल मान रहे हैं, कुछ ऐसा अच्छा आपके साथ सडनली और मिराकुलसली होगा, यानी कि चमत्कार जैसा, जैसे कोई जादू हुआ हो, जैसे कोई मिरेकल हुआ हो, इस तरह से कोई घटना आपके साथ हो सकती है जो आपके लिए बहुत लाभदायक, बहुत खुशी की और बहुत ही बड़े लेवल पर होगी। इसीलिए कुछ भी आपकी प्रेजेंट, आपकी जो करंट कंडीशन है उसको लेकर कुछ भी मानिए मत कि अभी ऐसा ही है, ये जीवन मेरा ऐसा ही है, मेरी लाइफ अब इतनी ही है, इतना ही मेरा स्कोप था, इतनी ही मेरी लिमिट थी, इतनी ही कैपेसिटी थी, और इतना ही मिलना था मुझे, इससे ज़्यादा शायद लिखा नहीं था भाग्य में। तो आप
सोच भी नहीं रहे होंगे उससे कुछ बड़ा आपके लाइफ में होने वाला है, और ये आपकी प्रेयर या आपका मांगा हुआ नहीं है, दैट इज़ समथिंग दैट यू डिज़र्व. ये कुछ ऐसा है जो आप डिज़र्व करते हो और वो आपको पता भी नहीं है, क्योंकि पास्ट कर्मा भी यहाँ पर आपको वो चीज़ें देंगे जो आप डिज़र्व करते हो. आपने पास्ट लाइफ में जो अच्छी चीज़ें की हैं उनका रिजल्ट भी आपको मिलेगा, और हो सकता है बहुत जल्द मिलने वाला है, तो बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो. सो दिस वॉज द रीडिंग, कि आपकी कौन सी इच्छा बहुत जल्द पूरी होगी. आई होप ये रीडिंग हेल्पफुल रही है, रिलेटेबल रही है. वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें. चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर.